बाढ़ से बेहाल चेंगलुरु में कुर्सियों पर बैठाकर महिला को बचाने की कोशिश। केरल में एक घर से दूसरे घर जाने के लिए अब सिर्फ नाव का ही सहारा। एलेपे में बाढ़ से घिरे गर्ल्स हॉस्टल से 15 लड़कियों को वायुदूतों ने बचाया। मलप्पुरम में बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए एनडीआरएफ जवान ने अपनी पीठ को बनाया सीढ़ी। जवान की पीठ पर पैर रखकर लोग हुए नाव पर सवार। कंडगल्लूर में बाढ़ में फंसे नवजात को बचाने के लिए कोस्ट गार्ड के जवानों ने दांव पर लगाई अपनी जान। एर्नाकुलम में 65 साल की बीमार बुजुर्ग महिला को हेलीकॉप्टर की बास्केट से बचाया गया। आसमान से लगातार बाढ़ में फंसे लोगों के लिए गिराया जा रहा है भोजन, पानी और दवाइयां। केरल में 4 पीढ़ियों ने नहीं झेला कुदरत का ऐसा क्रोध। बाढ़ में 2 लाख से ज्यादा परिवार हुए बेघर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। इस खास पेशकश में सबसे पहले हम बात करेंगे केरल की, जो इस वक्त कुदरत की सबसे बड़ी त्रासदी से जूझ रहा है। बाढ़ की वजह से चारों ओर तबाही की खौफनाक तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पानी के प्रचंड प्रहार ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया है। अब तक करीब 350 लोग काल के मुंह में समा चुके हैं। अब लहरों में फंसे लोग को बचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। चारों ओर पानी ही पानी, पूरे केरल का यही हाल है। ऐसे ही बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने की कोशिशें चल रही हैं। ये तस्वीरें केरल के चेंगन्नूर की हैं, जहां 3 लोग इस महिला को सुरक्षित जगह पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सीने तक पानी भरा हुआ है। ऐसे में महिला को एक प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठाकर सुरक्षित निकाला गया। बाढ़ में घिरे चेंगन्नूर में नाव के सहारे जिंदगी चल रही है। एक घर से दूसरे घर जाने के लिए भी नाव ही सहारा है। बच्चे भूख और प्यास से बिलबिला रहे हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। बाढ़ में फंसे लोगों की जिंदगी बचाने के लिए एनडीआरएफ के जवान किस तरह से अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। एनडीआरएफ के इस जवान का समर्पण देखिए। लहरों में फंसी महिलाएं नाव पर चढ़ सकें, इसलिए ये खुद पानी में सीढ़ी बन गया। एक एक कर महिलाएं भी आराम से इस जवान की पीठ पर पैर रख कर नाव पर सवार हो गई। ये भारतीय सैन्य बलों का देश सेवा के प्रति समर्पण और सहनशीलता है, जो खुद तकलीफ सहकर अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों के प्राणों की रक्षा के लिए खुद को झोंक देती है। पूरे केरल में एनडीआरएफ, सेना, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के जवान बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। एलेप्पी के एक कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल के ऊपर जब वायुसेना के हेलीकॉप्टर के पंखों की गड़गड़ाहट गूंजी, तो अंदर मौजूद लड़कियों में खलबली मच गई। 3 दिन से हॉस्टल में फंसी लड़कियों के पास न तो खाने पीने को कुछ था, न बाहर निकलने का कोई रास्ता। हॉस्टल की पहली मंजिल पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। सड़क के रास्ते कहीं भी जाना मुमकिन नहीं था। ऐसे माहौल में जब लड़कियां उम्मीद खो चुकी थी, तब आसमान के रास्ते देवदूत बनकर इस हॉस्टल में उतरे। एक एक कर 15 लड़कियों को एयरलिफ्ट करके हेलीकॉप्टर में बिठाया। हेलीकॉप्टर में पहुंचते ही लड़कियों की खुशी और चंद घंटे पहले अपनी बेबसी के मिले जुले जज्बात फूट फूट कर बह निकले।
सभी को रामेश्वरम के कैंप में सुरक्षित पहुंचा दिया गया। We have been trapped there for 4 days without no food, no water, nothing. They are Indian Air Force, I think so. And one sir named Prashant came and told us in the evening that they will come and pick us by airlifting. This is the sir. He came and landed and picked us from there. And thank you so much to the Indian Air Force. We are 15 more members trapped there. They gave us the promise that they will take them, and we are in a hope that we all are safe. वायुसेना की रेस्क्यू टीम लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों के ऊपर मंडरा रही है और जहां भी लोग लहरों में फंसे दिख रहे हैं उन्हें बचाने की कोशिश हो रही है। मकान की पहली मंजिल तक भरा पानी, पहली मंजिल के छज्जे पर संभाल संभाल कर कदम जमाते दो लोग और इनके हाथ में एक नवजात है जिसे यहां से सुरक्षित निकालना है। पीछे इस नवजात की मां खड़ी है और अपने जिगर के टुकड़े को इस खौफनाक रेस्क्यू मिशन से गुजरते हुए सांस थाम कर देख रही है। नीचे इतना पानी है कि न मकान में घुस सकते हैं न निकल सकते हैं। बच्चे को हाथ में उठाए ये दोनों शख्स कोस्ट गार्ड के जवान हैं और फिसलन भरे छज्जे से गुजर कर आखिरकार इन लोगों ने बच्चे को सकुशल बाहर खड़े अपने साथी तक पहुँचा दिया। इसके बाद मां को भी बाहर निकाला गया। केरल के कंडगल्लूर के इस कॉलोनी में लोग कई दिनों से पानी में घिरे हुए थे। गरजती उफनती लहरें सब कुछ तबाह करने पर आमादा हैं। तेज बहाव ने इस पुल को काट दिया जिससे चारों ओर पानी फैल गया, सड़क पर सैलाब बहने लगा। लोगों के बचाव के लिए वहां तैनात रैपिड एक्शन फोर्स ने मोर्चा संभाला। पहली बड़ी चुनौती थी यहां अस्थायी पुल बनाना। ऐसे में आरएएफ के जवानों ने एक मोटा और बड़ा पेड़ का तना लाने का फैसला किया। जहां भारी भरकम तना गिरा हुआ था वहां तक पहुंचना आसान नहीं था, बीच में लहरें रास्ता रोके खड़ी थी। रस्सियों की मदद से तैरते हुए जवान दूसरे किनारे तक पहुंचे, फिर मोटी रस्सी के सहारे पेड़ के तना को लेकर पहुंचे और पुल के टूटे हिस्से पर लगा दिया जिससे पानी का बहाव कुछ कम हो सके और लोग धीरे धीरे रास्ता पार कर सके। कुदरत के क्रोध ने केरल में लाखों लोगों को बेघर कर दिया। बाढ़ में फंसे लाखों लोग राहत के लिए आसमान में गड़गड़ाते हेलीकॉप्टरों और एनडीआरएफ के जवानों की ओर देख रहे हैं। कोची से शालिनी लोबो के साथ आज तक भी। केरल में ऐसी तबाही पिछली चार पीढ़ियों ने नहीं देखी। इंद्रदेव ने थोड़ी राहत अब दी है, आसमान से प्रलय बरसना थोड़ा कम हुआ है लेकिन बाढ़ ने करीब 2 लाख परिवारों को बेघर कर दिया है। सैलाब में फंसे लोगों को बचाने के लगातार एनडीआरएफ, वायुसेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड के जवान लगे हुए हैं। कुदरत के क्रोध ने केरल में करीब 2 लाख परिवारों को बेघर कर दिया है। बाढ़ में अभी भी लाखों की तादाद में लोग फंसे हुए हैं। नीचे पानी की फौज का कब्जा है, राहत की उम्मीद सिर्फ ऊपर वाले से है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगातार बाढ़ पीड़ितों को बचाने में लगे हुए हैं। ये तस्वीरें एर्नाकुलम की हैं। भूख प्यास से तड़पते लोग बड़ी उम्मीद के साथ आसमान की ओर देख रहे हैं। नीचे इतना पानी जमा है कि बसें आधी डूबी हुई हैं। कुछ लोग मकान की छत पर खड़े हैं, कुछ बालकनी से देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनते ही लोगों की आंखों में चमक आ जाती है। लोग नीचे से मदद के लिए आवाज लगाते हैं, चिल्लाते हैं। हेलीकॉप्टर में मौजूद वायुसेना के अफसर और जवान हाथों से इशारा करते हैं, राहत सामग्री गिराई जाएगी। आसमान से एक एक कर भोजन का पैकेट छत पर गिराया जाने लगता है। भूख से बिलबिलाते लोग खाने का सामान लेने के लिए टूट पड़ते हैं।
उसके बाद बड़ी बास्केट में पानी की बोतलें और जरूरी दवाइयां हेलीकॉप्टर से नीचे उतारी जाती हैं। वायुसेना का हेलीकॉप्टर आगे बढ़ जाता है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, छत पर मौजूद लोगों ने लाल झंडा लगा रखा है, मतलब खतरे का निशान। एक बुजुर्ग महिला की तबीयत बहुत खराब है, उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाने की जरूरत है। मकान की छत पर हेलीकॉप्टर उतरना आसान नहीं है। ऐसे में हेलीकॉप्टर में सवार पायलटों ने वहीं बास्केट नीचे उतार दी जिससे पहले राहत सामग्री उतारी गई थी। बुजुर्ग महिला को बास्केट में लिटा दिया गया और उसके बाद हेलीकॉप्टर में धीरे धीरे खींच लिया गया। कुछ मिनट बाद बुजुर्ग महिला को सुरक्षित हेलीपैड पर पहुंचा दिया गया जहां डॉक्टरों की टीम पहले से मौजूद थी। वायु दूतों की मदद से बुजुर्ग महिला मौत को मात दे देती है। केरल के हर हिस्से में वायुसेना और कोस्ट गार्ड के जाबाज ऐसे लोगों की जिंदगियां बचाने में लगे हुए हैं। अब तक बाढ़ प्रभावित इलाकों में भारतीय वायुसेना 537 लोगों का रेस्क्यू कर चुकी है और 75 टन से ज्यादा राहत सामग्री बाढ़ प्रभावित इलाकों में आसमान से गिराई जा रही है। चेंगन्नूर में सिर्फ इंसान ही नहीं, बाढ़ से जानवर भी बेहाल हैं। इंसान को कहीं आने जाने के लिए नाव की मदद मिल जा रही है। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लेकिन इस बेजुबान का दर्द देखिए। इसे समझ में नहीं आ रहा कि जाएं तो जाएं कहां, चारों ओर पानी ही पानी, जमीन कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है। इस गरीब और बुजुर्ग का मकान लहरों में समा गया। ये लोगों के कपड़ों की सिलाई कर अपनी जिंदगी की गाड़ी खींच रहा था। जैसे ही मुल्लई पेरियार बांध में पानी का दबाव कम करने के लिए फाटक खुला, उफनती लहरें इस गरीब के घर को बहा ले गई। अब ये बार बार गरजती उफनती लहरों को निहार रहा है, उनमें अपने घर को तलाश रहा है। इस बुजुर्ग का दुख समंदर से भी बड़ा है। अपनी पत्नी के साथ बार बार यहाँ से वहां जा रहा है, आंखों में आंसू लिए बार बार पानी में अपना टूटा घर तलाश रहा है। 1924 के बाद केरल सबसे भीषण बाढ़ त्रासदी झेल रहा है। केरल पर अब थोड़ा इंद्रदेव ने रहम किया है। आसमान से प्रलय गिरना कम हुआ है जिससे सूबे के सभी जिलों से ऑरेंज अलर्ट हटा लिया गया है, जबकि इडुक्की, कोझिकोड, कन्नूर में येलो अलर्ट जारी है। कोची से शालिनी लोबो के साथ आज तक ब्यूरो। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के उस पार आपको लेकर चलेंगे उत्तराखंड जहां पर दरक रहे हैं पहाड़ और खिसक रही है जमीन। तो आपने देखा किस तरह से दक्षिण से उत्तर तक, मैदान से लेकर पहाड़ तक और पहाड़ से लेकर रेगिस्तान तक कुदरत की प्रचंड मार को झेल रहा है। मूसलाधार बारिश से उत्तराखंड में लगातार पहाड़ टूट टूट कर गिर रहे हैं जिससे लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं। उत्तराखंड जैसा ही हाल हिमाचल का भी है। भारी भरकम चट्टानों को डायनामाइट के जरिए उड़ाया जा रहा है जिससे पहाड़ से गिरे भारी भरकम मलबे को हटाया जा सके। ये तस्वीरें चमोली में लामबगढ़ के पास नेशनल हाईवे 58 की हैं, जहां मूसलाधार बारिश से बड़ी बड़ी चट्टानों ने सड़क को बंद कर दिया है। पहले विशालकाय चट्टानों को विस्फोट के जरिए तोड़ा जा रहा है, उसके बाद जेसीबी से पत्थरों को हटाया जा रहा है। नीचे प्रचंड वेग से नदी बह रही है। भारी बारिश से चमोली में जगह जगह पहाड़ टूट कर गिर रहा है, खास तौर से लामबगड़, बिरही और क्षेत्रपाल इलाके में। लोग जान पर खेलकर एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, पता नहीं कब रास्ते पर पहाड़ का मलबा यमराज के भेष में आ जाए। बद्रीनाथ जा रहे हैं तो रास्ते में जो है पहाड़ फिसल गए हैं, तो रास्ता दो तीन जगह बंद है, इस वजह से यहाँ अभी रुके हुए हैं। सड़क बह गई है तो वहाँ गहरा गड्ढा बन गया है जिससे कि वहाँ जाना आना मुश्किल हो रहा है, और अभी पता लगा पीछे भी हो गया है, वापस भी नहीं जा सकते। वो बताए कि ऊपर रास्ता बंद है, काम चल रहा है।
25 साल से इसमें मरम्मत का कार्य चला, लेकिन संतोषजनक हर बरसात के महीने 3 महीने बहुत यहाँ का लोकल पब्लिक जो है परेशान रहती है। पहाड़ से पानी की धारा इतनी तेज है कि भारी भरकम चट्टानों को भी अपने साथ बहाकर ले जाने की ताकत रखती है। ऐसे में जरा सोचिए कि भला हाड़ मांस का इंसान कितनी देर टिकेगा। भूस्खलन से रास्ता बंद होने की वजह से लोगों को ऐसे ही मुश्किल रास्तों से होकर जिंदगी की गाड़ी खींचनी पड़ सकती है, जहां कदम कदम पर खतरा है। पड़ोसी हिमाचल प्रदेश की तस्वीर भी उत्तराखंड से जुदा नहीं है। पठानकोट मंडी के पास कोट रोपी के पास 23 दिनों से बंद नेशनल हाईवे को बड़ी मुश्किल से खोला जा सका है। जेसीबी लगातार पहाड़ से गिरा मलबा हटाने में जुटी रही। शायद हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब कोई नेशनल हाईवे 23 दिनों तक बंद रहा। ये रूट सामरिक तौर पर भी बहुत अहम है। ऐसे में प्रशासन ने इस रास्ते को चालू करवाने के लिए दिन रात एक कर दिया। अब मंडी पठानकोट रूट पर गाड़ियों की फिर से आवाजाही शुरू हो गई है, लेकिन हिमाचल में इस हफ्ते आसमान से और प्रलय गिरने की भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की है। 25 अगस्त तक ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर बर्फबारी का अनुमान लगाया गया है। मंडी से परिशर्मा और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ आज तक भी वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार खबरों का डबल डोज मेरे और मीनाक्षी के साथ सुबह 11 बजे एक और 1:11 में देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।